हो सकता है 24 दिसंबर को जिस तरह का हमला हुआ उससे भी अधिक हमला होगा। इसको रोकने के लिए हम लोग पहले ही प्रयास करेंगे। इसके बावजूद यहाँ पर सारे चारों तरफ से घेरा गया और यहाँ घेरे हुए जनताओं ने उनसे लड़ाई छेड़ा। ये सिर्फ डुम्बारी बुरु नहीं है, ये एक ऐतिहासिक स्थल है, उसको हम सब को याद करने की ज़रूरत है और उसके संरक्षण संवर्धन करने की ज़रूरत है। ऐसी जगह पर हम सभी को चलना है, ऐसे सोच करके पिछला बार हम लोगों ने कोशिश किया था और काफ़ी भीड़ भी हुई थी। विडम्बना यही है कि राजनीतिक दृष्टिकोण से उनके लिए सब चीज़ जायज़ है ना, लेकिन यदि हम झारखंड परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, हमारे आदिवासी समाज को खासकर लेकर के कोई भी संवेदनशील रवैया अपनाते नहीं है। ये हम लोग का शहीद स्तंभ है, शहीद स्तंभ है, विजय स्तंभ तो नहीं बोलेंगे, ये शहीद स्तंभ है और इसको बनाने में सफेद पत्थर का प्रयोग किया गया है ताकि खूंटी इलाका या कोई भी दूर दराज के लोग दूर से भी देखे कि मतलब डुमरी बुरु और सहिल रका बुरु कहाँ पर स्थित है। झारखंड शहीदों की धरती कही जाती है, कहा यह जाता है कि यहाँ लंबे समय से अलग राज्य का आंदोलन चला, अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष चला और लाखों लोग शहीद हुए। यहाँ अंग्रेजों ने बहुत बड़े पैमाने में शासन नहीं किया है, क्योंकि आप जिस कहीं भी चल जाए पूरे झारखंड के अंदर तो कुछ ही इलाकों में आपको अंग्रेजों का किला मिलेगा, बाकी आपको कहीं मिलेगा नहीं। हर 6-7 महीने 1 साल बाद को एक नया क्रांतिकारी बाहर निकल जाता था और वो अंग्रेजों के खिलाफ एक नया बिगुल, नया उलगुलान, नया हुल छेड़ देता था। ये सब कहने का मतलब हम आपको इस पूरे वीडियो में बताएंगे। अभी हम रांची राजधानी से 65-60 किलोमीटर दूर खूंटी के डुम्बारी बुरु में है। मारांगहादा से जब आप घुसेंगे तो ये डुम्बारी बुरु है और यहाँ 1900 ईस्वी में 9 जनवरी को बिरसा ने एक बैठक की थी और उस बैठक में अंग्रेजों के खिलाफ उलगुलान करने का अपने लोगों से आग्रह किया था, अपने लोगों को कहा था। उसके बाद यहाँ पे उस बैठक की जानकारी जब अंग्रेजों को हुई तब अंग्रेजों ने यहाँ पर गोलियाँ चलाईं और लगभग 300 से 500 के बीच में बिरसा के जो अनुयायी थे, बिरसा के जो समर्थक थे, बिरसा के जो साथी थे, जो आदिवासी थे, जो यहाँ संघर्ष कर रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, उनको शहीदी प्राप्त हुई। द्वार से जब घुसेंगे आप पीछे मूर्ति देख रहे होंगे बिरसा की, ये जो सामने आप देख रहे हैं मेरे पीछे, यहाँ बिरसा की मूर्ति लगी है। यहाँ बिरसा को माल्यार्पण किया जाता है। जो लोग भी यहाँ आते हैं हर साल 9 जनवरी को यहाँ हजारों की संख्या में लोग होते हैं और सब अपने अपने मर्जी से यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ मूर्ति में माल्यार्पण करने के बाद ये लोग इस रास्ते से ऊपर जाते हैं। ऊपर पहाड़ी 1.5 किलोमीटर है, हम वहाँ भी जाएंगे, वहाँ भी दिखाएंगे। ऊपर एक स्तंभ बना हुआ है जहाँ बिरसा ने बैठक की थी, वहाँ जहाँ शहीद हुए लोग। बैठक के बाद जब गोलियाँ चली, बिरसा हालांकि वहाँ से निकल गए थे, बिरसा को वहाँ से बचा लिया गया था, लेकिन जब गोलियाँ चली तो कई लोग शहीद हुए। तो उसी की याद में डॉक्टर रामदयाल मुंडा ने वहाँ पे एक स्तंभ बनाया था और कई लोग थे। तो हम यहाँ पहुँचे हैं। सरकारी उदासीनता हम आपको दिखाएंगे कैसे सिर्फ शहीदों के नाम पर वोट लिया जाता है, शहीदों के नाम पर राजनीति की जाती है, लेकिन शहीदों के सम्मान में कुछ नहीं करती है चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो। यहाँ इतना बड़ा कार्यक्रम होने के बावजूद भी कोविड प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए यहाँ सरकार द्वारा किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी गई, जबकि बिरसा के जो अनुयायी हैं, बिरसा के जो समर्थक हैं या बिरसा का जो सम्मान करते हैं, बिरसा के पदचिन्हों पर जो चलते हैं, वो लोग किसी भी हाल में हर साल यहाँ इतना तामझाम के साथ पहुंचते हैं। बहुत कार्यक्रम नहीं है लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा है। हम ऊपर भी जाएंगे, फिलहाल नीचे कुछ लोगों से आपको बात कराते हैं ये जगह का क्या महत्व है, फिर ऊपर जाएंगे और सरकारी उदासीनता पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ सुखराम पाहन हैं और हर बार ये यहाँ आते हैं और बिरसा को अपने अपने अलग अलग तरीके से वो याद करते हैं। कई बार नगाड़ा लेकर ऊपर तक जाते हैं और इस बार थोड़ा चमक धमक तामझाम कम है क्या दादा? बिल्कुल कम है और सरकार की गाइडलाइन ऐसा था कि भीड़ नहीं करना है, लेकिन आज इस 9 जनवरी डुम्बारी पहाड़ में बिरसा मुंडा के अनुयायियों और उनके साथियों का शहादत हुआ था आज के दिन में, और ऐसी जगह को हम लोग भला कैसे भूल सकते हैं। इसलिए चाहे कोरोना हो चाहे कुछ भी हो, हम उस जगह को, उस पावन धरती को
उन शहीदों को हम नमन करने जरूर आएंगे। इसी आप मकसद नहीं भूले, लोगों ने नहीं, सरकार लगता है भूल गई। हाँ, सरकार की अपनी मानसा है, अपनी गाइडलाइन जिस प्रकार से है उसके हिसाब से कम्प्लीटली पूरी तरह से आप जरा नजारा दिखा सकते हैं बाद में कि आप यहाँ पर एक कोई टेंट तक नहीं है, कोई एक कुर्सी तक नहीं है, एक पोस्टर भी बहुत मुश्किल से शायद ये 150 रुपये में बना होगा, गांव वाला ने किया है कि सरकार की पूरी तरह से इस पर कोई अमल उन्होंने नहीं किया है। और दुर्भाग्य है कि आज का तारीख में और उन्हीं के करकमलों से आज बिरसा मुंडा के और उनके सादत ने ही इस राज्य को अलग मिला है, तब जाके आज हम जो भी हैं जिस भी जगह पे हैं, चाहे सरकार हो, चाहे आप मुख्यमंत्री हो, चाहे किसी भी मंत्री हो, चाहे विधायक हो, सांसद हो, अब उसी के संघर्ष के बाद ये राज्य मिला और आज ये सरकारी तंत्र है और उस जगह पे आप बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार को चाहे जिस भी स्तर पर आपका गाइडलाइन है तो कुछ क्या तो सरकार को तो ये बात पता होना चाहिए, गाइडलाइन के बावजूद भी बिरसा के जो अनुयायी हैं, जो बिरसा को मानते हैं, बिरसा के संघर्ष को मानते हैं, हर साल जो आते होता है ऐसे भी आएंगे, बहुत कुछ तो करना ही नहीं था, बहुत कुछ कुछ नहीं करना था यहाँ पर, इतना सिर्फ करना था जो पहले भी कुछ हुआ नहीं करता था। इतना होता था कि एक टेंट लगता था, उसमें कुर्सी लगती थी और बाजा लगता था, यही तो करना था, तो पानी की सुविधा होनी थी और बहुत सारा अलग अलग संगठन लोग कुछ क्या करते थे, दूर दराज से जो लोग आएंगे बेसिकली उसमें हम लोग संस्कृति कर्मी जो है वो लोग को खाना वाना का व्यवस्था भी करते थे, लेकिन इस साल चाहे किसी संगठन ने नहीं किया, उसका वजह एक ही है कि हम लोगों ने पिछला बार भी 6-7 गाड़ी सरकार की मदद से जैसा भी हम लोग किया और फिर संस्कृति कर्मी टीम भी आई थी, कोशिश भी किए थे अलग अलग संगठन लोग आप लोग पहुँचे कि ऐसा ये सिर्फ डुम्बारी बुरू नहीं है, ये एक ऐतिहासिक स्थल है, उसको हम सब को याद करने की ज़रूरत है और उसको संरक्षण संवर्धन करने की ज़रूरत है, ऐसी जगह पर हम सभी को चलना है, ऐसे सोच करके पिछला बार हम लोगों ने कोशिश किया था और काफ़ी भीड़ भी हुई थी, लेकिन इस बार तो कुछ भी नहीं है, भीड़ तो खैर आएगी लेकिन सरकार की तरफ से कोई कुछ हुआ नहीं। सरकारी कार्यक्रम हो ना हो, बिरसा के जो अनुयायी यहाँ पहुँचते ही हैं, तो क्या लगता है कि सरकार ने भूलवश यहाँ कुछ साज सज्जा नहीं किया, किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी, या जानबूझकर बिरसा को बुलाया गया? देखिए, मैं तो ये भूलवश सरकार की तरफ से ये कमी जो हुई है ये मैं स्वीकार नहीं करूँगा, जानबूझ के इधर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, चूँकि शासन प्रशासन उनके कंट्रोल में है और जहाँ तक COVID-19 का हवाला देते हुए जो यहाँ पे इस बार ऐतिहासिक स्थल को जिस तरह से आयोजन करना चाहिए था वो नहीं किया, इससे हमें यही लगता है कि एक तरह से जो ऐतिहासिक जो यहाँ की जो ये पृष्ठभूमि है उससे धूमिल करने का एक प्रयास किया जा रहा है। चुनाव तो होगा ही यूपी और बाकी 5 राज्यों में, और यहाँ की जो पार्टी मतलब प्रदेश की जो पार्टी कांग्रेस है जो यहाँ सरकार में है वो तो भीड़ भाड़ में चुनाव प्रचार करने जाएगी यहाँ के नेता भी, तो चुनाव के दौरान COVID-19 खत्म हो गया लेकिन अपने शहीदों को याद करने समय COVID-19 दिख रहा है, इस पर क्या सोचते? विडम्बना यही है कि राजनीतिक दृष्टिकोण से उनके लिए सब चीज़ जायज है ना, लेकिन यदि हम झारखंड परिप्रेक्ष्य में देखते हैं हमारे आदिवासी समाज को खासकर लेकर के कोई भी संवेदनशील रवैया अपनाते नहीं हैं, कोई मतलब संवेदनहीन है ना, यहाँ के आदिवासियों के लिए चाहे वो विकास की बात हो, यहाँ के आदिवासियों की परिस्थिति की बात हो, कैसे उनकी स्थिति को सुधारा जाए, उनके इतिहास को कैसे पुनर्जीवित करते हुए आगे बढ़ाया जाए, इस पर कोई मतलब ध्यान नहीं है सरकार को, उनका यही मंशा लगता है कि आदिवासियों का जो इतिहास है वो इसी तरह से मिटा दिया जाए। धन्यवाद। हमारे साथ अभी धरती आबा बिरसा मुंडा के परिवार के एक सदस्य हैं, उनसे ही बात करते हैं। आप बिरसा मुंडा का वंशज हैं? मैं बिरसा मुंडा का वंशज जो बिरसा का पोता लगता है, मेरा नाम सुखराम मुंडा। आप बिरसा की लड़ाई से देश अलग, झारखंड अलग हुआ, आप लोग को सरकारी वादा भी बहुत किया गया कि शहीदों के परिवारों को सम्मान मिलेगा, नौकरी मिलेगा, जगह मिलेगा और ढेर सारा,
क्या वो सब हुआ है पूरा? ये वादे रह गया। झारखंड अगला होने के बाद आज 75 साल हो गया। सरकार ने बहुत से वादा किया और हम लोग भी मांग रखे। धीरे धीरे सरकार भी हम जनताओं की मांग को पूरा कर रही है। जैसे ग्राम उलीहाते में शहीद ग्राम विकास के तहत पक्का मकान बन रहा है, बिजली का व्यवस्था हो गया, रोड का व्यवस्था हो गया, हम अपने बाल बच्चा के लिए नौकरी हो गया, वही बहुत हुआ है। और सारे देश के लिए बहुत सारे विकास का काम चल रहा है। ये जगह के बारे में आप क्या जानते हैं? ये जगह, ये जगह के बारे में हम यही जानते हैं कि 9 जनवरी को यहाँ पर जब बिरसा ने यहाँ की अंग्रेजी शोषण के खिलाफ उनके शोषण को सहन ना करके लोगों को घूम घूम करके एकत्रित किया, संगठन बनाया और उन जमींदार ठेकेदार अंग्रेजों के शोषण के खिलाफ उलगुलान के लिए तैयारी किए। और 24 दिसंबर 1800 ईस्वी में जगह जगह पर अनशन किए, कहाँ आग लगी, कहाँ पेड़ जला। उसके बाद 9 जनवरी 1900 आया, यहाँ पर मीटिंग कर रहे थे। मीटिंग करते हुए जब मैम साहब को चाहे फौजी मालिक को यहाँ पता लगा कि बिरसाईती लोग चाहे उनके सारे लोग डोंबारी पहाड़ पर इकट्ठे हुए हैं, हो सकता है 24 दिसंबर को जिस तरह का हमला हुआ उससे भी अधिक हमला होगा, इसको रोकने के लिए हम लोग पहले ही प्रयास करेंगे। इसके बावजूद यहाँ पर सारे चारों तरफ से घेरा गया और यहाँ घेरे हुए जनताओं ने उनसे लड़ाई छिड़ा और यहाँ बहुत से महिला पुरुष बच्चे भी अपना जान आहुति दिए। आज के दिन सुखराम दा है 9 जनवरी को आज के दिन यहाँ करीब करीब 300 महिला पुरुष बच्चे अपना जान बलिदान किया और खून की तरह नदी बहाए। जब आप डोंबारी के मुख्य द्वार से लगभग 1.5 किलोमीटर पहाड़ी के ऊपर आएंगे तो आपको ये जगह मिलेगा। मुख्य द्वार पर तो बिरसा मुंडा की मूर्ति लगी हुई है और वहाँ जो लोग भी आते हैं आज के दिन वहाँ माल्य अर्पण करते हैं, बिरसा को नमन करते हैं, उसके बाद आगे आते हैं। इस जगह की क्या विशेषता है, क्या नाम है इस जगह का और आखिर ये किस लिए बनाया गया है? हम महादेव मुंडा जी हैं, हमारे साथ हैं, हम उनसे बात कर। दादा आपका स्वागत है। यहाँ जो हम लोग प्रवेश द्वार से 1.5 किलोमीटर ऊपर जब पहाड़ के ऊपर आते हैं तो ये एक स्तूप है बना सा, क्या मान्यता है? ये पद्मश्री डॉक्टर रामदाल मुंडा के सौजन्य से बनी थी। तो ये वास्तव में ये हम लोग का शहीद स्तंभ है, शहीद स्तंभ है, विजय स्तंभ तो नहीं बोलेंगे, ये शहीद स्तंभ है। और इसको बनाने में सफेद पत्थर का प्रयोग किया गया है ताकि खूंटी इलाका या कोई भी दूर दराज के लोग दूर से भी देखे कि मतलब डोमरी बुरु और सहिल रखा बुरु कहाँ पर स्थित है, और जब जब देखे तो उन्हें याद आए कि ये हमारे मुंडा पुरखों या आदिवासी पुरखों ने ब्रिटिश हुकूमत के साथ में उलगुलान की लड़ाई उसी पहाड़ में लड़ी थी और 400-500 मुंडा स्त्री पुरुष ने अपनी प्राणों की आहुति दी थी। और इस पहाड़ में जितने ढलान दिख रहे हैं पूरा चट्टान लहूलुहान हो गया था। तो आदिवासी या छोटनागपुर के तमाम लोग हमेशा याद रखें तो उसी की स्मृति में ये शहीद स्तंभ बनाया गया। कि यहीं पे बैठक हुई थी और आज के दिन ही गुलान का आगाज किया गया था, क्या है इसमें? नहीं, बिल्कुल सही है। ये जो पहाड़ है सहिल रकब और डोमरी बुरु है, बगल में ही डोमरी गांव है। तो डोमरी गांव में ही 9 जनवरी 1899 के दिन में डोमरी में
मागे बुरु था, माघ के समय में जो गांव में मेला होता था, तो मेला था, तो उसी मेला के उपलक्ष्य में तो इस इलाका में, जैसे यहाँ तो डोमारी के बगल में ही आयु भातु है, आयु भातु बिरसा मुंडा का मामा गांव था, तो बिरसा मुंडा का जो बिरसा सेना था या उसके तमाम साथी मैक्सिमम इसी इलाका के थे, तो सब ने बिरसा मुंडा को आमंत्रण दिया कि आप आइए, डोमारी में माघ बुरु होने वाला है, तो इसी उपलक्ष्य में आप आइए और हम लोग ये साइल रखा बुरु में हम लोग बैठक करेंगे और उलगुलान या मुंडा आंदोलन का हम लोग आगे की रणनीति तय करेंगे। हम अभी डोमारी के पहाड़ पर हैं और जो स्तंभ है, जिसे शहीद स्तंभ कहा जाता है, जिसे डॉक्टर रामदयाल मुंडा ने शहीदों की याद में बनवाया था, वहाँ पे थे। और उसके बगल में हम लोगों ने देखा कि कुछ समूह सरना झंडा लिए, लाल सफ़ेद झंडा लिए बैठकर कुछ बातचीत कर रहे थे, और उनकी अगुवाई जो कर रहे थे, हम उनके पास हैं, उनसे आपको मिलाते हैं और उनसे बात करते हैं और पूछते हैं, क्योंकि वो किसी आदिवासी भाषा में बात कर रहे थे, तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि वो क्या बता रहे थे अपने लोग को। और यहाँ जितने लोग हैं वो बहुत ध्यान से, बहुत शांत होकर चीज़ों को सुन रहे थे, इनकी बातों को सुन रहे थे, हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है दादा? मेरा नाम सोमा कंडेर है। आप अभी यहाँ जो लोगों को बता रहे थे, वो क्या बता रहे थे कि इतना ध्यान से सब कोई सुन रहा था? तो आज हम लोग यहाँ डोमारी पहाड़ में आए हैं, यहाँ जो बिरसा मुंडा ने यहीं पर जनसभा आयोजित की थी, और उस समय यह अंग्रेजों का राज था, तो अंग्रेजों का राज था उस समय, वो मतलब मुंडाओं के बीच में आकर के उनका शोषण कर रहा था और उनके अनुसार चलवा रहा था। उसके विरोध में इस जगह में जो सभा जनसभा हो रहा था, उस समय अंग्रेज सरकार ने यहाँ के सभा कर रहे लोगों के ऊपर गोलियां बरसाई और यहाँ अंधाधुंध लोग, बहुत लोग यहाँ शहीद हो गए, और उन शहीद लोगों का आत्मा शांति के लिए हम लोग आज यहाँ प्रार्थना भी किए, प्रार्थना करके हम लोग यहाँ सभा किए हैं कि उनका मन आत्मा शांति मिले, उनको शांति मिले, और हम लोग एकजुटता होकर के माने कदम से कदम माने तरक्की के उन्नति की ओर हम लोग बढ़ेंगे। और हम लोग जो बिरसा मुंडा ने जो हम लोग के समाज में जो बुराई थी, उन बुराइयों को पहचाना था, और उन्होंने उन बुराइयों को पहचाना और हम लोग के बीच में उपदेश करके रख दिया है, चाहे छोड़ा है, वही उपदेश हम भी यहाँ ये जगह ये इन हम अपने लोगों को हम समझ रहे थे। उन्होंने कहा था नशा से दूर रहना है, नशा हिंसा और प्रेम से रहने के लिए हम लोग को दिया है, तो हम भी यहाँ संदेश दे रहे थे कि हम लोग को यहाँ से नशा से हम लोग को किस प्रकार से हम लोग दूर रहें, ताकि अपना समाज मैंने उन्नति की ओर बढ़े। और हम लोग का समाज में आए दिन देख रहे हैं कि हम पूरा समाज में बाल विवाह चरम पर है, ये बाल विवाह से किस प्रकार हम लोग को अपने नौजवानों को मैंने युवा पीढ़ी को इसे दूर करें, इसके बारे में भी हम लोग बातचीत कर रहे थे, और हम लोग का कोशिश भी है कि बाल विवाह को रोकथाम करने के लिए। बिरसा का जो संदेश है वो आप अपने लोगों को दे रहे हैं? हाँ, बिरसा का संदेश भी दे रहे थे और अपना भी संदेश मिला के दे रहे थे।